पूर्णिया जिले के भवानीपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित समेकित बाल विकास परियोजना के आंगनबाड़ी प्रखंड संघ के अध्यक्ष पिंकी कुमारी, महासचिव बबीता कुमारी के नेतृत्व में बाल विकास परियोजना भवानीपुर के परिसर के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों की प्रति बाल विकास परियोजना कार्यालय को दी। अध्यक्ष पिंकी एवं महासचिव बबीता ने बताया कि गोवा, तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा तथा अन्य राज्य सरकार की भांति बिहार में भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि में वृद्धि करते हुए अन्य सुविधा प्रदान करने की मांग की। इस महंगाई के दौर में अल्प मानदेय पर बाल विकास परियोजनाओं के दिशा निर्देश का पालन करते हुए उनके द्वारा दिए गए कार्यों को निष्ठापूर्वक करना बहुत ही कठिन है। अल्प मानदेय से अपना भरण पोषण भी कठिन है, फिर परिवार को चलाना टेढ़ी खीर है। मांगों में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए क्रम से ग्रेड की और ग्रेड डी में समायोजित किया जाए। सेविकाओं को 25,000 एवं सहायिकाओं को 18,000 प्रतिमाह मान दे दी जाए। 54 दिन हड़ताल उपरांत 16 मई 2017 को हुए समझौते के आलोक में शेष लंबित मांगों का निष्पादन शीघ्र किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश के आलोक में बिहार में भी ग्रेजुटी भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए। इस बीच सेविका सहायिका ने सरकार विरोधी नारेबाजी भी की। आप लोगों का किन किन मांगों को लेकर आज सेविका सहायिका ये जो धरना प्रदर्शन किए हैं, कि क्या क्या मांग है आप लोगों? 15 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग धरना पर लाए हुए हैं। 21 सूत्री मांगों को लेकर के। 21 सूत्री जी। कब से ये आप लोग ये मांग कर रहे हैं? आज हम लोग जब से न्यू हम लोग सेविका सहायिका का जब से नियोजन हुआ है तब से हम लोग सरकार से मांग ही कर रहे हैं। महज 1,000 से नौकरी कर रहे हैं और अभी तक सरकार हमारे से हम सेविका सहायिका बहनों से सौतेला व्यवहार कर रही है। वो हम लोगों की मांगों पे जरा सा भी ध्यान नहीं दे रही है। अभी तक आप लोगों का मांग नहीं पूरा किया? मांग नहीं पूरा किया है। और यदि आगे नहीं करेंगे तो इसके लिए आप लोग क्या करिएगा? इसके लिए हम लोग को जो भी करना होगा, जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जाएंगे। हम लोग को सरकार को गिराना होगा तो हम लोग सरकार को गिरा देंगे। हम लोग में इतना है, एकता है, बल है, करेंगे हम लोग। ये प्रखंड स्तरीय धरना प्रदर्शन, अभी प्रखंड स्तरीय धरना प्रदर्शन एक दिवसीय कर रहे हैं। उसके बाद जिला में जेल भरो आंदोलन का ही करेंगे, फिर उसके बाद राज्य में जा करके करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे। अभी आप लोग को यहाँ पे कोई अधिकारी आए हुए हैं क्या? नहीं कोई, अभी तो कोई नहीं आए हुए हैं। जब सरकार ही हम लोगों का सौतेला व्यवहार कर रही तो अधिकारी के लिए हम लोग क्या करेंगे? अधिकारी का क्या इसमें ही करेंगे? सरकार ही हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए हम लोग सरकार से आप लोग के माध्यम से आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि सेविका सहायिका का जो भी मांग है उन्हें पूरी करे। और हम लोग क्या कह सकते हैं? आप अपना परिचय दे दीजिए। हम श्रीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 2 की सेविका राणा गजाला है, जो कि हम लोग सरकार से अपना जो है सरकारी कर्मी का दर्जा के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं।